बम से भागते शॉर्ट से पता नहीं क्यों भागते। ओ भाई क्या फटा है सच्चे। ये अल्टीमेट। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। इस टाइम पे हो चुकी हूँ रेडी अपनी लोकल मार्केट जाने के लिए। आज है छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहे हैं, तो अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है दिवाली के लिए, ना कोई स्वीट्स और ना ही जो बाकी का रहता है सामान। तो फिर मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं और पापा बाहर अपना काम कर रहे हैं लाइट्स का, तो वो मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे लाइट्स लगाई है। तो अभी चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो वॉच करना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक या कमेंट ज़रूर करना, और अगर न्यू होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो चलते हैं, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल अपने रूम से ब्लॉग कर रही हूँ, फिर शूज़ वगैरह पहन के। हेलो गाइस, मेरे मम्मा पहुँच गए हैं संजौली, और अब घर वालों के साथ शॉपिंग करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। हर पॉइंट्स पे रुकना पड़ता है, ये लेना है वो लेना है, तो फिर अब लेते हैं सामान और टाइम भी बहुत कम है। तो चलो जितना भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ संजौली में ऐसा लग रहा है ना जैसे मेला होगा, इतना ज़्यादा क्राउड है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। अभी आए हम विशाल, अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या लेते हैं। अमर टेक्स आके ना थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है, नहीं तो इतना क्राउड इतना क्राउड। फिर हम लोगों ने विशाल से कुछ भी नहीं लिया, हम यही अमर टेक्स से ले रहे हैं। तो फिर आप लोगों को घर पहुंच के बताऊंगी क्या क्या लिया है। ये है संजौली का अमर टेक्स। ठीक है, आज बस पड़ा है ना। हां ठीक है, मतलब हां जी की बोल रहा है। हैं शेलिंग सुबह आया ठीक है। यहां से हम लोगों को लेने आ रहे हैं पापा। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि वह बस 1 2 3 4 5 6 बैग्स ये है और 4 बैग मम्मा के हाथ में है, एक बहुत बड़ा बैग है। तो पापा हमें लेने आएंगे, फिर हम उसके बाद घर आ गए। चलो चलो चलते हैं। हमारा थोड़ा सा सामान और बच गया है, इतना शोर है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी सफोकेशन लाल ही हो गया मूवी। अब थोड़ा बहुत सामान रहता है, फटाफट से सामान लेते हैं, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं। आप बोल रही हो मैं? You are home. अब हम गाड़ी पे बैठ गए फाइनली। दिवाली मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और आज तो बहुत ही सारी विशेष मिल रही है सब यहाँ यार, कहाँ से रखना टाइम लगे तो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:52 का टाइम हो चुका है, तो सुबह से टाइम नहीं लगा कि ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊँ क्योंकि थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी हो रही थी, तो इस वजह से। तो फिर सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और घर वालों को वैसे सुबह विश कर दिया था बट स्वीट्स नहीं खिलाई थी घर वालों को, तो अभी स्वीट्स भी खिलाते हैं और आप लोगों को भी मम्मा पापा से मिलाते हैं। अभी तो फिलहाल सब अपने अपने काम में बिजी है, तो चलो चलते हैं उन लोगों को भी विश करते हैं और स्वीट्स खिलाते हैं। और जितना आज पॉसिबल होगा मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़्यादा स्पेशल तो कुछ भी नहीं कर रहे हम दिवाली में, नॉर्मल सा सेलिब्रेशन है क्योंकि इस दिवाली में मेरी बहन नहीं है यहाँ पर, तो उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है कुछ भी सेलिब्रेट करने की, तो हम तीनों बहुत ही ज़्यादा उसे मिस कर रहे हैं। तो फिर अगर वो होती तो वो, एक तो वो छोटी भी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि घर को डेकोर करने का, तो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तो थोड़ा बहुत जितना भी होगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को दिवाली ब्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं, मम्मा पापा को पहले मैं मिठाई खिला देती हूँ। तो अभी मेरे घर वाले बाहर बैठे हैं, तो उन्हें यहीं पे हम दिवाली विश करते हैं, स्टार्ट करते हैं मम्मा से। हैप्पी दिवाली मम्मा। सेम टू यू पारुल। सेम टू यू पारुल। सेम टू यू पारुल। हैप्पी दिवाली पापा, थोड़ा सा खा लो ना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जब मैंने लास्ट टाइम शूट करा था उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी मम्मा पापा के या दीदी के घर, तो मैंने फिर सोना ही बेस्ट समझा। तो भाई दिवाली है तो फिर तो
जाना ही बनता है, तो फिर मम्मा दीदी के घर गए थे तो इस वजह से मैं सो गई थी, मैं गई नहीं थी। और अब जी जाके बस सो के उठी हूँ और भूत जैसी शक्ल में दोबारा से ब्लॉग कर रही हूँ। तो फिर अच्छा, और जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लेके आए थे मटेक से, जो पीछे ये डब्बे दिख रहे होंगे आप लोगों को टीवी पैनल के नीचे, ये वाले वो बॉक्सेस है। तो ये इसमें से 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं ये, हम लेके आए थे 12 लेके आए थे ये। तो 6 मम्मा ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ अपने नेबर्स में दिए है, कुछ ऐसे ही दिए होंगे शायद थोड़े बहुत, मुझे नहीं पता कहाँ दिए है। तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने अंदर चाय लगाई है क्योंकि पापा मम्मा भी पहुँचने वाले हैं। तो फिर इस टाइम पे हमारा टी ब्रेक भी होता है, सिर्फ टी ब्रेक तभी होता है जब पापा को छुट्टी होती है, अदरवाइज़ हम चाय नहीं पीते हैं, अदरवाइज़ तो चाय वाय बनती नहीं है घर में। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी चाय पी लेती हूँ, और कुछ भी खास नहीं है, बस नॉर्मल सी दिवाली है। तो चलो किचन में भी चलते हैं, साथ साथ पता चले आप लोगों से बात करते करते अंदर जो चाय मैंने लगाई है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। तो फिर साथ साथ किचन में भी चलते हैं और आप लोगों से भी बात करते हैं। और बाकी दिवाली का मुझे उतना ज़्यादा शौक नहीं रहता है गाइस, क्योंकि दिवाली का मैक्सिमम शौक उनको ही होता है जिनको डेकोर करने का ज़्यादा शौक होता है। तो डेकोर वगैरह मुझे कुछ भी करना नहीं आता है, मैं अपनी बहन पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ इन चीज़ों के लिए। मतलब मेरी लाइफ की 50-60% मैं अपनी बहन पे डिपेंडेंट हूँ हर चीज़ के लिए, तो वो ही सब कुछ करती थी। तो इस बार वो यहाँ है नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रहा है। तो मैंने तो आज तक कभी दिए नहीं जलाए, कैंडल्स नहीं जलाई, मेरा तो बस यही काम रहता है कि डिनर बनाने का, खाना ही बनाना आता है मुझे, बाकी तो कुछ भी नहीं आता है। तो फिर इस बार मम्मा कर लेंगे क्योंकि बहुत मिस हो रही है वो हमें, मुझे नहीं आती कोई भी रंगोली बनानी, कुछ भी करना नहीं आता है, तो सच्चाई बतानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे ये करना आता है या वो, जो मुझे करना आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइट्स तो हमने कल ही लगा दी थी, तो फिर दिए वगैरह जलाएंगे तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ प्रोसेस शेयर करूँगी। तो पहले अपनी चाय वाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी सी देर के बाद मिलूंगी। और सोच रही हूँ कि शाम को मैं सूट पहनूँ, मेरे पास कोई भी सूट नहीं, अगर कोई एक पुराना सूट भी मिल जाएगा तो मैं सूट ही पहन लूँगी, ढूंढना पड़ेगा। वैसे कुछ माइंड नहीं हो रहा, रिमाइंड नहीं हो रहा सॉरी कि मेरे पास कोई सूट है, अगर मिलता है तो आज दिवाली के लिए फिर मैं भी सूट पहनूंगी, नहीं मिलेगा तो अपनी लोअर और स्वेटर ही चलेगी फिर तो, और कुछ भी नहीं है। और आज वाला जो ब्लॉग है ना मुझे आज ही शेयर करना है ये, तो आप लोग आज ही मेरा ब्लॉग वॉच करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मुझे, और बताना आप लोगों ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट करी है। मेरी बातें तो फिर बहुत लंबी चल पड़ती है, तो फिर चाय वाय बनाते हैं और आवाज़ आ रही है नीचे गेट खोलने की, मम्मा वगैरह भी पहुंच गए हैं। फिर तो हमारी दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है चाय और पकौड़ों के साथ। तो मैंने सुबह यहाँ क्लीन किया था ना, तो क्लीन करने के बाद अभी बेडशीट नहीं बिछाई है तो वो इग्नोर कर देना। हम लोग मीठा खाना थोड़ा कम पसंद करते हैं और ऐसे नमकीन स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलो अपनी चाय वाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा पापा का चला है लाइट वाला प्रोसेस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी तक क्या करा इन लोगों ने। ये डोर पर ये लगाया, अभी फ्लावर्स नहीं लगाए, ये तो हमारे घर में ऑलरेडी है। और ये वायर्स वो सॉरी लाइट्स लगा दी। अब मैं चलती हूँ किचन में और यहाँ पर लगाया मैच, ये लाया पापा ने पटाखे इतने सारे, मैं दिन में से एक भी नहीं जला सकती, मुझे तो बहुत डर लगता है। बट इसमें ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये स्पार्कल वाली फुलझड़ी, फुलझड़ी तो मैं जला देती हूँ, पहले तो फुलझड़ी से भी डर लगता था बट अब नहीं लगता। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह की, मतलब ये इस तरह की है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, लिखा तो इसमें स्पार्कल वाली है, पता नहीं स्पार्कल वाली होगी कि कैसी होगी वो बाद में पता चलेगा। खाना बनाने की ड्यूटी जैसे कि मेरी होती है तो आज भी मुझे बनाना पड़ेगा, मैं खाना बनाऊंगी और फिर आप लोगों को बाद में रेसिपी तो शेयर नहीं करूंगी बट लास्ट में फाइनल लुक दिखा दूंगी कि कैसा मेरा मटर पनीर बना है। तो फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग पे, खुद करते हैं झटपट से काम, फिर ढूंढेंगे सूट। फाइनली मैं सिंपल सी रेडी हो चुकी हूँ, मुझे सूट मिल गया था मेरा एक 2 साल पुराना सूट है शायद, ये एक ही टाइम वेयर किया है और सेकंड टाइम आज वेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ खास रेडी नहीं हुई हूँ, बस बिल्कुल वही सिंपल सा रेगुलर सा लुक जो मेरा है। और अभी आप लोगों को बाहर का भी दिखाऊंगी कैसे कैसे डेकोर किया है, और पहले कर लेते पूजा फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूजा करने के लिए लेट हो रहा है तो आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं अपने सूट का लुक।
ये है मेरा ड्रेस ऑफ द डे आज का, सिंपल सा। पियू को भेजिए, मुझे भेज सर। ओके, अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, फोटो नहीं ली रही अभी। नहीं, नमस्ते जी। रुको, बस पे जाने दो। नमस्ते पापा। अब मिलेगा प्रसाद खाने को। बचपन में कितना लालच होता था खिले खाने का, बट अब कोई भी लालच नहीं होता इस तरह का। कुछ हाँ जो मुझे थोड़ी सी तरह बस ले जाओ। देखो फाइनली गाइस, ये मम्मा ने कुछ इस तरह का रिकॉर्ड किया है यहाँ पर। इसमें सबकी पूरी की पूरी मेहनत मम्मा की है, मेरी बिल्कुल 0% मेहनत है। मैं बाहर जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला फूल वाला मम्मी ज़्यादा सुंदर बना है, पीछा बना है। और मैं आप लोगों को इसमें लाए वो कलर अगर गाढ़ा, हाँ अब आपने इसमें दिए लगा दिए ना, अब ये सुंदर लग रहा है। अगर इसमें वो कलर्स आओ दूसरा होता ना, हाँ वो रेड वगैरह कलर वाला होता ना, बट कलर्स हमारे पास थे बट पता नहीं अभी मिले नहीं, वो मिले नहीं यार, ठंड लग रही है यहाँ पे बाहर दिवाली। ये भी है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। मम्मा दिवाली विश कर दो मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स को, हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। ओके थैंक यू। और ये आप लोग देख लो, ये वाली हमने लाइट्स लगाई है। ओके मम्मा, ये यहाँ पे पापा कैंडल्स लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो तो सुंदर लग रहा है। हैप्पी दिवाली। काम तो था सिर्फ खाना बनाने का जो कि मैंने बनाया, उसके बाद जो सब कुछ हो रहा है ये कर रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, कैसे सब पटाखे जला रहे हैं। चलो थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ जब पटाखे जलाएंगे फिर वो भी शेयर करूँगी, वो भी पापा ही जलाएंगे, मेरे तो वो सिलेबस से बाहर है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ना धातु पहन लिया है, तो मुझे धातु पहनना अच्छा लगता है, तो सोचा धातु के साथ कुछ फ़ोटोज़ ही ले लेती हूँ। वीडियो कॉल कर रही थी ना, मैं भी तुझे वही दिखा रही हूँ। तो फिर इसी के साथ हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो गया ख़त्म, और रात को लाइट से ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो सोचा लास्ट क्लिप शूट कर लेती हूँ और लास्ट में वीडियो की एंडिंग भी इसी के साथ कर लेती हूँ लाइट्स के साथ।
तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।